फाइनली 7 जनवरी की सुबह आने वाली है। भारत ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रोहित शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं और मयंक अग्रवाल टीम में नहीं है, बट उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं शुभमन गिल। अगर रोहित शर्मा 30 मिनट तक पिच पर रुक गए तो ये भारत मैच जीतेगा, क्योंकि वो दोनों अच्छा स्कोर करेंगे। इसका टेक्निकल रीजन है कि शुभमन गिल, आपने देखा होगा, वो फ्रंट फुट पे ड्राइव करते हैं और रोहित शर्मा बैक फुट पे फ्रंट पुल स्क्वायर कट करते हैं। तो ये वही जोड़ी है जैसे कि वीरेंद्र सहवाग बैक फुट पे, गौतम गंभीर फ्रंट फुट पे, और ये लोग 3 से 3.5-4 रन प्रति ओवर से बनाते थे, जिसके कारण चेतेश्वर पुजारा को भी, जो बहुत डिफेंसिव थे, वो अल्ट्रा डिफेंसिव मोल्ड में नहीं रहेंगे। और अगर रोहित शर्मा रुक गए तो नाथन लियोन को वो अपने जो लेग साइड में फ्लिक से ही वो बहुत कांस्टेंट स्कोरिंग रहेगी। इसके बाद सुरेश रैना, हमारे जो ऋषभ पंत हैं, उन्होंने पिछले बार यहां पे सेंचुरी बनाई थी, क्योंकि वहां पे ये बाउंस नहीं है जो कि मेलबोर्न में थी, तो शायद जो कॉट बिहाइंड था वो नहीं होगा। और अश्विन ने भी यहां पर 2 बार हाफ सेंचुरीज बनाई हुई है, तो भारत की बैटिंग काफी सुदृढ़ है। अगर भारत ने कल बैटिंग की पहली तो भारत 300+ का स्कोर करेगा। अब आते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग पहले की, ऑस्ट्रेलिया ने अगर पहली बैटिंग की तो सबसे पहले डेविड वार्नर, शायद नवदीप सैनी को भारतीय टीम में इसीलिए लाया गया है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बाउंस है, और पिक्योवस्की जो कि कंकशन है का उनकी प्रॉब्लम रही है, उनको कंकशन का प्रॉब्लम से डर लगे कि वो अपनी हाइट के कारण वो बाउंस कर सके। और जिस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग कॉरिडोर में की थी बुमराह ने बॉडी पे, और इसने सिराज ने लेंथ को वेरिएट करके, तो मेरे ख्याल से भारत अगर पहले दिन बैटिंग करेगा तो रफली 350 का रन बनाएगा और 4-5 विकेट गिरेंगे। और वही अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा वो भी रन बनाएंगे, बट बनिस्बत कि अगर स्टीव स्मिथ या मैनस खेले, वरना मैं सोचता हूं 270 से ज्यादा वो स्कोर पूरे दिन में नहीं करेंगे, उनके 5 विकेट गिर चुके होंगे। तो पहला दिन मुझे लगता है कि 2 सेशन भारत में होंगे, और हम लोग कल मिलेंगे पहले दिन के खेल के बाद। और कैरियर लॉन्चर के आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.